मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे 5:30। हम लोग सब तैयार हो चुके थे और 4 बजे उठ के हम लोग सब तैयार हो चुके हैं। अभी चलिए देखते हैं, जब भी पूरा तैयार हो चुका है पूजा के लिए। देखिए, रात को ही सब रेडी कर दिया गया था। नमस्ते। इनको चूल बहुत रामरो सा, बहुत सिल्की है इनके बाल और स्ट्रेट भी है। ये कार्ली कर ली है, जिसको स्ट्रेट होता है वो कार्ली करते हैं, जिसका कार्ली होता है वो स्ट्रेट करते हैं। और ये है अंशु, इनसे तो आप मुलाकात हो चुका है आप सबका। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तैयार हो चुकी हूँ, घर के लगभग सब तैयार हो चुके हैं। और हम सब घर की लेडीज़ों ने एक समान साड़ी पहना है और जेंट्स के कपड़े भी समान है। साथ में असमीज गमछा है, हम असम से लेके आए थे। और मेरी मम्मी जी भी तैयार हो चुकी थी। चलिए अभी हम लोग पूजा में बैठते हैं। वास्तु पूजन के एक कर्मणि आचार्य आदि काम कर्तुं तथा पुण्य वाचनार्थं नाना नाना गोत्रान नाना नाम श्रमणो ब्राह्मणान एवि चंदन पुष्प चंदन पुष्प अक्षत द्रव्य वस्त्र आदि द्रव्यरी युष्मान गृहे ते छोड़ दी। हो ल, अब यता सुनिस्यो त बुवा उठ्नु पर्दैन। उसले रामु सरले उत्यो एउटा त्यही भयो, अलिकति रातो अबिर ल्यायो एउटा दुनामा अरू त्यो, अनि त्यसपछि गुरुलाई लगाइदिस्यो, अनि त्यसपछि कमलाले बिस्ता कानमा है, अन्त होइन कानमा है, कानमा है बाबु। मेरो नाम होइन, लक्ष्मीपति बाल्दैछौ, नातिको छोराको व्रत बन्द गर्दैछौ भन्ने मनले सम्झेर, यो पावन यस्तो पवित्र भूमि भन्ने मनले सम्झेर त्यहाँ छु नि। ओम भोरसि भूमि रसि दिति रसि विश्वधाय विश्वस्य भुवन सदात्रे पृथ्वीं यस पृथ्वीन्द्र गोह पृथ्वीं भाइ गोसि। ल, अब त्यही भान्जाले गुरुले यसो त्यहाँ धानमा छोइदिन्छ ल है। ओम हो त्यहाँ ओम धान्य मसिदेनो देवान प्राणा यतो यतो बिहान यतो ध्यान बिहान यतो दीर्घ मन पर्छ देव धान देव बहुत सविता हेर्ने पानी पठाउँछ चल्न पाएन चक्षुके तम महिना पयोसि। हो त कलश छोइदिने है सबैले, हो नजिकको आया जिग्रम कलशम या त विषम तुइन दल पुनर्जा पनि भन्न चाहना सहस्रम दुःख रुधारा पैसा पुनर्मा विषतात्राई। अब भान्जा एउटा ऊ दिनु दुनो हो त्यहाँ माइजूको अगाडि राखेर, अब त्यसमा फेरि अलिकति जल चढाउने, गङ्गा गङ्गा भनेर तिनपटकसम्म गङ्गाको जल गङ्गे जुनोला। हरि ओम ओम प्रवेरिक विदाय नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम अग्निमिदे पुरोहितं दे जगस देवमृतजम भूतारं रत्नधातमं पूर्वे ऋग्वेदाय नमः। भू ऋग्वेदयागस्य अधिष्ठ यावत् जंगोर्मि तावत् तमसु स्थिरवसुप्रसन्न सुप्रदोपरदोप भव पूर्वे ऋग्वेदाय नमो नमः। चढाइदिनुहोस् त्यहाँ माथि नै है, माथिपट्टि खै त फुल फुल फुलको लोभ नगर्नुहोस् है, फुल जति पनि छ नत्र किनेर ल्याउन फेरि अर्को एउटा दक्षिणा चढाउनुहोस् त्यहाँ, नोट पैसा चढाउनुहोस्, एउटा सिक्का पैसा भित्र चढाउनुहोस् पानीभित्र, नोट पैसा बाहिर चढाउनुहोस्। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापत्र पशुमन पूर्वकम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति पूर्वकम समस्त कामना सिद्ध्यर्थम अद्य दिने प्राकर्तव्य नियमाकरण जन्य प्रतिवार परिहार पूर्वकम श्री परमेश्वर। ओए, यता बहिनीलाई दे त केरा, राम्रो
भान्जा के अरे पुगेन और अभी ब्रेक हो चुका है इसलिए मैंने एक फोटो क्लिक कर लिया है। उसके बाद पंडित जी सबको नाश्ता खिलाना होता है तो चमसूर कुछ इस तरह का बनाया है, वहाँ पे मैंने कभी नहीं खाया फर्स्ट टाइम, और फल फूल ये सब दे के उन लोगों को खिलाया। और हम लोग घर के वाले भी सब ऊपर से सुबह से कुछ नहीं खाता है, हम लोग भी खाने लग गए। उसके बाद हम लोग अभी फिर पूजा में बैठेंगे और मैंने थोड़ा वीडियो भी बना लिया। और ये है अंशु, हमारी भांजी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये टीका, ये ड्रेस उनको बहुत मैचिंग होता है, ऐसे ये खूबसूरत ही है। और पंडित जी सब भैया सब मिलके एक साथ खाने लगे, हम लोग भी नहीं खा लिया। उसके बाद यहाँ पे बाल काटने का कार्यक्रम चल रहा है, मामा द्वारा कटाया जाता है। वर्तमान में बाबू बाल काटने के लिए तैयार नहीं था पहले, बाद में फिर तैयार हो गया। और यहाँ पर मेरा बाबू का हालत बहुत ख़राब हो गया, उसको नींद आ चुका है। और बाल काटने के बाद उन लोगों को इस तरह का कपड़ा पहना जाता है, पहनाया जाता है, और वो भागने की कोशिश करते हैं इसलिए उसको पकड़ के रखा जाता है, ये नियम होता है। अब चलिए भिक्षा देते हैं। भगवान को अब भगवान को लगी तोरण में पूजा कर जल छपे तोरण में सब देवता अप्सरा गंधर्व किनारे गर्पला सब गर्पले भिक्षा देने का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उसको तैयार किया जाता है। दुबो को माला पहना के नया कपड़ा टोपी कोट वगैरह सब नया लाया था वो देके उसको तैयार किया जाता है। उसके बाद उसको सब जितने मेहमान आए घर पे जितने इनवाइटी है सब उसको टीका लगा के दक्षिणा और कपड़ा लता आराम ले 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 आराम
वर्तमान का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम लोग लागबत्ती की ओर आगे बढ़ रहे हैं और लागबत्ती को अभी हम लोग घर के सब महिलाएं उसको घी में डुबो के तैयार करने वाले हैं। पीछे पर पीछे तेल ले भिजियो ना भिजन के हो गए 700 ये था 500 ये 500 के 700 आए कमला पीछे पीछे घुसाओ ना 500 ये राई दू भाई तू पीछे पीछे ये और को तो ऐसे ये एक ही ठाव राखियो रे मई 500 यहां छ 500 यहां छ यो 700 ठुलिया ना छिन ले ले आउनु लाना दिदीले यहाँ को यो हैन मैले दिसि त्यसै यहाँ को त्यसै आक्दिन यहाँ को लाना ब्लॉक मेन उसके बाद यहाँ पे फिर तीन भाग में पूजा को बांटा गया है। एक और लागबत्ती की पूजा चल रही है, दूसरी ओर बासु पूजा चल रही है और एक और फिर रुद्री की पूजा चल रही। सब एक साथ पंडित जी तीन भाग करके जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। अब लागबत्ती जलाने वाले तिनी मरिया बाल्ने हुन् तिमी यतो राख यतो ओम भय जगदीशारे मन दे प्रभु जसले नित्य गर्यो देना देना निर्मल बाँधै प्रतिदिन पावन बाँधै त्यो भव सिन्धु तर्यो ओम I'm not gonna lie, baby, I'm not gonna lie, baby, I'm not gonna lie.
तिल प्रहलाद सब उठे नाच्न पर्यो तो कुर्सी उड़ीन पर्यो हामीले भगवानलाई केही पनि दिन सकिन्न हामीले भगवानलाई फूलपाती मात्रै अर्पण गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि भगवान त्यसैसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ हामीलाई यसै जाति भगवानलाई फूलपाती पूजा लगाएर नि किन होला त्यो जेठो छोरो बुहारी माइला छोरी बुहारी छोरा बुहारी सबै ननाचेको भन्दा म नजानेर अब नाच्नु जेठा जेठी माइला माइली भए कान्छी पनि सबै सँगै रामचरे बाबाले भिनाजोर आइदिनु पर्यो दिदीहरू राम और आज का पूजा भी संपूर्ण समाप्त हो गया है और भगवान हमारे परिवार को सुख शांति और समृद्धि देना और परिवार में ऐसे ही मिल बनाए रखना बच्चों को वे आशीर्वाद देना और ये है साइलिया माँ और यहाँ पे है जॉय साहब जो हमारे तीन नंबर बहन के हस्बैंड है ये दुबई में रहते छुट्टी पे आए हुए हैं यहाँ पे अंकल है घनश्याम अंकल और ये है केशव अंकल शायद मैं नाम अगर मिस्टेक कर दी तो मुझे माफ़ कर देना मैं नाम भूल चुकी हूँ ये है महालती बहनी इनके हस्बैंड है पहले जो दिखाया था वो और सब खाने लग गए क्योंकि पूजा समाप्त हो गया था सबको भूख भी बहुत लग गया था लगभग 4:30 हो चुका था अब शाम हो जाएगा और अभी आगे चल के देखते हैं कि खाने पे क्या क्या बना है और आज का खाना में है पुलाव क्योंकि अभी पूजा का खाना तो सादा ही बनता है आप सबको पता ही होगा ये है पनीर की सब्ज़ी मटर देके काबुली चना देके बनाया गया है और यहाँ पे एक भेज सब्जी बनाया गया है सब कुछ मिक्स करके और ये है काकड़ों की चटनी और भांजा भी खाने लगे वो क्या बोल नवीन आगे ठा पड़े आज
सो गाइस यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, खाना भी चल रहा है और यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। हमारे छोटी देवरानी सबको फोटो उठा रही थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख सकते हैं बहुत बिजी है, वो किसी को खाना देने जा रहे हैं, शाम होने वाला है और मम्मी जी अभी खाना खाने बैठी। हम लोगों ने खाना खा लिया क्योंकि बहुत भूख लग रहा था और हम रुक नहीं पाए, खा लिया मैंने, जेठानी दीदी हम सब ने खा लिया, मम्मी जी खा रही है और इधर कौन कौन खा रहा है देखते। ये है जेठानी दीदी की मम्मी, ये भी खा चुकी है और इस साइड बैठे हैं मीना बहन के हस्बैंड, ये है ग्रीन टी शर्ट वाले मीना बहन के हस्बैंड है और टोपी वाले मंजू दी के हस्बैंड, हमारे परिवार के बड़े दामाद। हाय सुमा, हाय हाय बेटा, हाय मेरी माइली बुहारी, आज त राम्रो हुनु भयो, हिजो त बतेङ जै आउनु भयो, बरु नराम्रो लाग्यो हिजो। यहाँ छोरो धन्य त धन्य, ए मम्मी धन्य, कति धन्य धन्य मम्मी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और मैंने सुबह से शाम तक का कार्यक्रम का थोड़ा थोड़ा क्लिप डाला है और अभी कीर्तन के साथ हमारा आज का पूजा कार्यक्रम सब समाप्त होता है। जो जो हमारे वीडियो के पास जुड़े रहे उनको भी भगवान कृपा करे, आशीर्वाद दे। और यह है देवर देवरानी, दोनों बैठे हुए हैं आराम से, यहाँ पे कीर्तन चल रहा है और मैं मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ और पशुपति नाथ का नाम लेके आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।